दोस्तों नमस्कार। चुनावी सीजन में हरियाणा का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो लगातार नई करवट ले रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर, चाहे वो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है या फिर क्षेत्रीय दल है, खासकर इंडियन नेशनल लोकदल, जिनका अभी हाल ही में ताज़ा गठबंधन हुआ बहुजन समाज पार्टी के साथ, सभी पार्टियाँ अपनी रणनीति को धार दे रही हैं। अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर तो आप मान करके चलें कि ना खाता ना बही, जो चौटाला परिवार कह देगा वही सही। लेकिन अगर बात आएगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो इनके अंदर तमाम गतिरोध, तमाम प्रकार के अवरोध, तमाम प्रकार की बातें सब सामने आती हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों में जहाँ स्थानीय राजनेताओं के आपसी टसल्स हैं, नेताओं के आपसी मुद्दे हैं, नेताओं की आपसी जो गुटबाजी, खेमेबाजी, आप कुछ भी कह सकते हैं, सब जगह रहती है, और फिर उनके ऊपर से पार्टियों का आलाकमान, ऐसे मिजाज में सबसे जो मुख्य बात रहा करती है, खासकर कांग्रेस और भाजपा जो दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके साथ बड़ी समस्या ये रहती है कि नेताओं को एडजस्ट कैसे किया जाए, और जो इनके नेता होते हैं उनके साथ समस्या ये होती है कि अपनी बात अंतिम दरवाजे तक कैसे पहुंचा दी जाए। आपसे मैं जिक्र कर रहा हूं इस बात का, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के कुछ छत्रपों के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के वो छत्रप जिन्होंने कि लोकसभा चुनाव में अपना परचम फहरा लिया, लेकिन वो आगे अपनी संतानों को, अपने बेटे बेटियों को राजनीति में एडजस्ट करना चाहते हैं। चाहे वो गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह है, जिन्हें अपनी शूटर बेटी को आरती राव को एडजस्ट करना है, चाहे फिर वो कृष्णपाल गुर्जर हैं, जिन्हें अपने निवर्तमान डिप्टी मेयर बेटे देवेंद्र चौधरी को स्थापित करना है, और चाहे फिर वो भिवानी के सांसद धर्मवीर हैं, जिन्हें अपने बेटे मोहित को कहीं राजनीति की लाइन में आगे बढ़ाना है। मैं आपसे इन तीनों नेताओं के बारे में जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि आखिर किस लिहाज से ये अपने बेटे बेटियों की दावेदारी कर रहे हैं, और फिर कहाँ उसमें अवरोध आ सकता है। सबसे पहले बात कर लेंगे हम आपके साथ गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह की। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, आरती राव पिछले दिनों उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ में एक साक्षात्कार में कहा कि पार्टी टिकट दे या ना दे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना नुमाइंदा बनाए या ना बनाए, वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अभी सीट डिक्लेयर नहीं की उन्होंने कहां से चुनाव लड़ेंगी। आरती राव पिछले दिनों जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ 2019 का, राव इंद्रजीत सिंह चाहते थे कि उनकी बेटी को रेवाड़ी से टिकट दिया जाए। उससे पहले रणधीर सिंह कापड़ीवास वहां से विधायक थे 2014 में। आरती राव को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि 2019 का जो चुनाव था लोकसभा में 303 यानी कि 303 सीटें लेकर के भाजपा का, जो भाजपा के नेताओं का दिमाग सातवें आसमान पर था। हालांकि विधानसभा चुनाव में तो उनको झटका लग गया, 40 सीटें रही, लेकिन क्योंकि लोकसभा का प्रदर्शन इतना अच्छा हुआ था पूरे देश में और हरियाणा में, देश में 303 सीटें मिल गई थी भाजपा को और हरियाणा के 10 के 10 कमल खिल गए थे हरियाणा के अंदर। इस लिहाज से जब राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी की टिकट की पैरवी की तो सीधे सीधे मना कर दिया गया। राव इंद्रजीत सिंह के साथ यही जरूर हुआ कि वो रणधीर सिंह कापड़ीवास का टिकट कटवाने में कामयाब हो गए, और टिकट मिल गया उनके जो समर्थक थे सुनील मूसेपुर को। अब चुनाव की तैयारी जब 2024 की है, तो आरती राव जो कह रही हैं कि चुनाव लड़ना है चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, तो चुनाव लड़ना कहाँ से है, कौन सी विधानसभा सीट उन्होंने सोची है? कई नामों पर चर्चा चल रही है, बादशाहपुर पर सबसे पहले चर्चा आती है, लेकिन बादशाहपुर में अगर देखें तो फिर राव नरवीर सिंह पूरी तैयारी में है। वो भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो चाहे चुनाव आज़ाद लड़ना पड़े चुनाव लड़ेंगे। राव नरवीर सिंह भी स्थापित नेता हैं। राव नरवीर सिंह और इंद्रजीत के बीच 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर के बीच 36 का आंकड़ा इस लिहाज से आप लगा लीजिए कि 2019 के चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह का टिकट कटवा दिया था। और अगर राव नरवीर के बाद आए तो फिर यहाँ जवाहर यादव हैं, मनोहर लाल के नवरत्नों में शामिल रहे हैं, जवाहर यादव तैयारी कर रहे हैं। अगर तीसरा नाम लें तो मनीष यादव भी वहीं पर हैं, पिछला विधानसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे, आलाकमान में उनकी भी पकड़ है। इन सब बाधाओं को पार करते हुए क्या आरती राव की बात बनेगी? अगर अब बादशाहपुर नहीं तो जो चर्चाएं हैं, आरती राव के लिए कई सीटें हैं,
आरती राव कोसली के बारे में भी बात आती है कि वो कोसली से चुनाव लड़ सकती हैं क्या। आरती राव के लिए बात नारनौल की भी चलती है। अगर रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी के अंदर तो मुझे लगता नहीं कि इंटरेस्टेड खुद भी हैं अब राव इंद्रजीत और आरती राव, और जो वहाँ के जो बताते हैं सर्वेक्षक बताते हैं जो वहाँ की बात चलती हैं, तो जो सुनील मूसेपुर, मैं आपको एक बात यहाँ ज़रूर जोड़ता चलूँ कि राव इंद्रजीत सिंह की पाठशाला के जो कई विद्यार्थी जो उनके नज़दीक हुआ करते थे, चाहे उनमें बनवारी लाल थे, चाहे उनमें सुनील मूसेपुर हैं, तमाम ये नेता लोग जो कभी उनके दाएं बाएं हुआ करते थे, वो राव इंद्रजीत सिंह से आजकल आंखें भी चुराते हैं। क्योंकि जब जब भी कहीं अगर बात चलेगी आरती राव को चुनाव लड़वाने की, तो वहाँ के नेता का बलिदान दिया जाएगा, और कोई भी नेता नहीं चाहता राजनीति के अंदर, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई इवन गांव का पंच नहीं चाहता कि उसकी सियासी जो वर्चस्व स्थापित है, सियासी जो छत्र उसका स्थापित है, उस पर कोई आँच आए, वो पीछे हो। इस लिहाज से बड़ी भारी चुनौती है आरती राव को कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले तो कहाँ से, ऐसी कौन सी सेफ सीट देखी जाए। लेकिन ये जरूर है कि आरती राव जितनी सीटों पर नज़र गड़ाए हुए हैं राविंदर सिंह अपनी बेटी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बड़ी सोच चलेगी कि कौन से नेता का बलिदान होगा और वो फिर कितना सामने आएगा। यानी कि राजा साहब की बेटी को आरती राव को कहीं एडजस्ट करना है तो उसके लिए कई पापड़ बेलने पड़ेंगे। किसी सेफ सीट की तरफ अगर राव इंद्रजीत सिंह सोचेंगे तो सामने भारतीय जनता पार्टी के कई नेता खड़े दिखाई देंगे। चाहे वो रेवाड़ी को देख लें तो रणधीर सिंह कापड़ीवास बड़ा नाम हो जाएगा, अगर वो बादशाहपुर में आएंगे तो फिर वहाँ पे राव नरवीर सिंह बड़ा नाम हो जाएंगे, अगर वो कोसली में जाएंगे तो वहाँ के जो विधायक लक्ष्मण यादव, वो बड़े दावेदार सामने बन के आ जाएंगे। यानी कि कई प्रकार की बाधाएँ हैं, और ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की दावेदारी कितनी पुख्ता रहेगी, कितनी मजबूत रहेगी, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, ये सब कुछ भविष्य गर्भ में है। लेकिन चर्चाएं पूरे जोरों पर हैं कि राव इंद्रजीत सिंह की को अपनी बेटी का पॉलिटिकल एडजस्टमेंट कराना किसी विधानसभा सीट पर नाकों चने चबाने के बराबर रहेगा दोस्तों, नाकों चने चबाने के बराबर। अब अगर दूसरी बात मैं कर दूँ दूसरे छत्रप की, तो फरीदाबाद के सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर भारत सरकार के अंदर अब भी वजीर हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जो, और अमित शाह के साथ में वो एडजस्ट हैं, सहकारिता मंत्रालय में उनके पास राज्य मंत्री का प्रभार है। कृष्णपाल गुर्जर के बेटे हैं देवेंद्र चौधरी। देवेंद्र चौधरी निवर्तमान डिप्टी मेयर हैं, फरीदाबाद नगर निगम के पार्षद का चुनाव लड़ा था, जीते थे और डिप्टी मेयर बने थे। अब उसके बाद में अगर देखें तो देवेंद्र चौधरी 2019 के चुनाव में भी उनकी पुख्ता दावेदारी थी तिगांव विधानसभा क्षेत्र पर। तिगांव पैतृक विधानसभा क्षेत्र है कृष्णपाल गुर्जर का। 2009 में कृष्णपाल गुर्जर तिगांव विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक बने थे, और तिगांव विधानसभा क्षेत्र का विधायक रहते ही 2014 में वो सांसद बन गए। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया राजेश नागर को, राजेश नागर थोड़ी सी वोट से चुनाव हार गए, और उसके बाद में 2019 में फिर से राजेश नागर पर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने, और राजेश नागर अच्छे मार्जिन के साथ विधानसभा का चुनाव जीत गए। 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी देवेंद्र चौधरी के लिए पूरी पैरवी की थी कृष्णपाल गुर्जर ने, सशक्त दावेदारी प्रस्तुत की थी, और लेकिन उस सब के बावजूद बात नहीं बन पाई। अगर देखें तो राजेश नागर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के चुनाव प्रभारी जो आजकल चुनाव सह प्रभारी हैं, और उससे पहले जो प्रभारी थे विप्लव कुमार देव, उनकी टीम का में हो, और चाहे फिर वो अमित शाह की टीम में हो, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, और चाहे फिर निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल हों, राजेश नागर भी भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान में अपनी अच्छी पैठ बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर देखें तो राजेश नागर वहाँ से विधायक हैं तिगांव से, और तिगांव से कृष्णपाल गुर्जर इस चुनाव के अंदर, जो लोकसभा का चुनाव हुआ अभी हाल ही का 2024 का, इस चुनाव में वहाँ से कृष्णपाल गुर्जर जीतने में कामयाब हुए, और उनका मार्जिन भी बेहतरीन वाला मार्जिन रहा। यहाँ जरूर कहा जा सकता है कि कृष्णपाल गुर्जर का क्योंकि अपना क्षेत्र भी है, लेकिन राजेश नागर की भागीदारी, राजेश नागर का सहयोग भी कहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता।
अब बड़ी बात यह आ जाती है कि अगर देवेंद्र चौधरी को कृष्णपाल गुर्जर ने एडजस्ट कराना हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान में अपने पुत्र की पैरवी करेंगे टिकट के लिए, बात अगर चलेगी और अगर बात कहीं ये आ जाएगी कि जो उनके छत्रप हैं उनके बेटे बेटियों को एडजस्ट किया जाना है, तो उस स्थिति के अंदर क्या राजेश नागर को साइड करना इतना आसान रहेगा? बड़ी बात यह कि राजेश नागर, मैंने आपको जो बताया, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान में भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, विधानसभा चुनाव के लिए जो उनकी तैयारियां हैं अगर उसको देखा जाए, मैं आपको एक बात और जोड़ता चलूं कि राजेश नागर 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं राजेश नागर की दावेदारी भी चली थी, लेकिन पार्टी ने भरोसा जताया कृष्णपाल गुर्जर पर, कृष्णपाल गुर्जर कैंडिडेट हुए और इस सब के बावजूद जिन भी लोगों ने दावेदारी अपनी प्रस्तुत की थी वो सभी लोग उस चुनाव में, यानी कि इस लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर के साथ रहे। खासकर क्योंकि मैं बात तिगांव की कर रहा हूँ, देवेंद्र चौधरी की कर रहा हूँ और उनके सामने राजेश नागर की कर रहा हूँ। ऐसे लिहाज में जो मैं आपको बता रहा था कि क्या राजेश नागर का टिकट काट करके और देवेंद्र चौधरी को देना भारतीय जनता पार्टी आला कमान के लिए क्या बिल्कुल आसान चाल साबित होगी? क्योंकि देवेंद्र चौधरी की, जहां आरती राव की दावेदारी कई विधानसभाओं पर है, लेकिन देवेंद्र चौधरी की दावेदारी केवल तिगांव विधानसभा पर है। कृष्णपाल गुर्जर से कुछ लोगों ने एक बार पूछा भी था कि क्या NIT की तरफ भी उनके बेटे के लिए कोई बात है, तो उन्होंने स्पष्ट मना किया था। NIT 86 जो फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद लोकसभा के तहत विधानसभा सीट आती है, इस लिहाज से इकलौती दावेदारी जो देवेंद्र चौधरी के लिए है वो तिगांव विधानसभा की है, और देखना होगा कि तिगांव विधानसभा में किस प्रकार से उनकी दावेदारी पुख्ता हो पाएगी राजेश नागर के वर्तमान विधायक होते हुए। अब अगर अगली बात करें तो फिर बात आ जाएगी तोशाम विधानसभा की, और तोशाम विधानसभा आता है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में। सांसद धर्मवीर हैं, तीसरी बार सांसद बने हैं। अब की बार धर्मवीर का नाम था कि उनको भी सेंटर गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर बनाया जा सकता है जाट कोटे से, बात बनी नहीं, चौधरी धर्मवीर को मंत्री बनाया नहीं गया। उसके बाद में धर्मवीर जी के मंत्री ना बनाया जाना, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो गई किरण चौधरी की। हालांकि पिछला जो विधानसभा चुनाव था 2019 का, उस चुनाव में भी चौधरी धर्मवीर ने खुद अपनी दावेदारी भी की थी और अपने बेटे की दावेदारी भी की थी, बात बनी नहीं थी। और इस चुनाव के अंदर भी चौधरी धर्मवीर चाहते हैं कि उनके बेटे को एडजस्ट किया जाए, मोहित को, अपने बेटे को लाना चाहते हैं आगे वो। इस स्थिति में क्योंकि वहाँ पर अब किरण चौधरी आ गई, हालांकि पिछला जो कैंडिडेट था शशि परमार वहाँ से कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव तो हार गए, लेकिन वो आज भी बीजेपी में जमे हुए हैं। लेकिन इससे बड़ी बात ये हुई कि किरण चौधरी की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कराना, उसमें मनोहर मंत्र का चलना, इसके बावजूद बाद में आगे चलें तो फिर किरण चौधरी का भाजपा आला कमान के अंदर भी अपना दौड़ धूप करना, भागदौड़ करना, उनके साथ संबंध बनाना, इस लिहाज से बड़ी चुनौती रहेगी चौधरी धर्मवीर के लिए कि किरण चौधरी की टिकट, अगर किरण चौधरी को राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया गया तो फिर तय मान के चलिए कि उनको भिवानी के तोशाम विधानसभा क्षेत्र की दावेदारी रहेगी। और मैं तो ये समझता हूँ कि किरण चौधरी को न केवल तोशाम बल्कि आसपास की, यानी कि भिवानी जिले की एक दो सीटें और भी दी जा सकती हैं। उस स्थिति में बड़ी समस्या बन जाएगी चौधरी धर्मवीर के लिए कि वो अपने बेटे को कैसे एडजस्ट करें। यानी कि चाहे राव इंद्रजीत सिंह है, गुरुग्राम के सांसद, भाजपा के छत्रप, जिन्हें की एडजस्ट करना है अपनी बेटी आरती राव को, चाहे कृष्णपाल गुर्जर हैं फरीदाबाद के सांसद जिन्हें एडजस्ट करना है अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को, और चाहे भिवानी के सांसद हैं धर्मवीर जिन्हें एडजस्ट करना है अपने बेटे मोहित को, इन सब के लिए बड़ी चुनौतियां हैं कि आखिर इस परिदृश्य में, जो वर्तमान का राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें कैसे अपने बेटे बेटियों को, अपनी संतानों को राजनीति की मुख्य धारा में लाएं। और इसके बाद में सबसे बड़े बात यह आ जाएगी कि क्या बदलते राजनीतिक परिदृश्य में, जबकि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बड़ी भारी चुनौतियां हैं, ऐसे में क्या बीजेपी का जो मंत्र है कि परिवारवादी राजनीति से दूर रहना, क्या बीजेपी उस मंत्र को छोड़ करके और अपने छत्रपों को साधे रखने के लिए उनकी संतानों को एडजस्ट करेगी? कमेंट्स बॉक्स में आप भी जरूर बताएं कि किस प्रकार के हालात बन सकते हैं।
और जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।